दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप। कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। बिना देरी किए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना में श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। जयंती समारोह के बाद नीतीश ने मीडिया को भी संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी से दोस्ती वाले बयान पर सफाई देते हुए सीएम ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि यही बच्चा हम लोग का सब कुछ है। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी द्वारा उनके लिए गेट बंद किए जाने के बयान पर पलटवार किया है। सीएम नीतीश ने कहा कि उनसे वैसे भी परमिशन कौन मांग रहा है। पूर्व में दिए गए अपने बीजेपी से दोस्ती वाले बयान पर नीतीश ने फिर से सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के बीजेपी के नेताओं से आजीवन संबंध वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंफ्यूज हैं। सीएम नीतीश कुमार 2 नवंबर को गांधी मैदान में 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इन शिक्षकों को सीएम संबोधित भी करेंगे। 3 नवंबर को ये शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान देंगे। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर करीब 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों और पदाधिकारियों का प्रमोशन किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग और निबंधन विभाग में भी बीते दिन प्रमोशन हुए। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत 3,00,000 से अधिक शिक्षकों को अक्टूबर के वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 1,314 करोड़ रुपए जारी किया है। पदाधिकारियों को निर्देश है कि जल्द राशि का भुगतान करें। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR शुक्रवार को जंगल सफारी की शुरुआत हो गई। पहले दिन से ही पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने आज जमशेदपुर में ओडिशा के नए राज्यपाल रघुवर दास से उनके एग्रिको स्थित आवास पर मुलाकात की। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 7वें रूप की पूजा होती है। इस मौके पर पंडालों के पट खोल दिए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। अंतरिक्ष एजेंसी को दूसरे प्रयास में सफलता मिली है। चैटिंग ऐप व्हाट्सएप एक और नया फीचर लेकर आया है। इस फीचर की मदद से यूजर लॉक चैट को हाइड यानी छिपा सकेंगे। ICC वर्ल्ड कप 2023 में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बिहार और झारखंड में मौसम शुष्क रहने के आसार जताए हैं। वहीं तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड का असर भी बढ़ेगा। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।